अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास एक सवाल है 1996 में जो आया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर द रिएक्शन, ये रही इक्वेशन, KC49 है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई। एच आई की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है इक्विलिब्रियम पर, व्हेन इनिशियली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन इन 1 लीटर फ्लास्क। 1 मोल आयोडीन 1 मोल हाइड्रोजन मिलकर 1 लीटर फ्लास्क में इनिशियली मिले थे और उससे ही पूरा रिएक्शन हुआ, यानी कि H2 और I2 की हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी, ये जो हमें वैल्यू बताई थी, ये हमें 1 मोल निकाल लेते हैं इनिशियली, निकाल लेते हैं इनिशियली। हमसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे HI की वैल्यू मालूम करो, तो हमने सबसे पहले इक्वेशन में सॉल्यूशन में इक्वेशन लिखी। अब हाइड्रोजन 1 मोल है, आयोडीन भी 1 मोल है और HI इनिशियली 0 होता है। जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो मैंने माना कि HI बना है एक्स मोल, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 लिखा है तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हुआ, 1 इसका दिया हुआ था, इसमें से एक्स अमाउंट कम हुई होगी तभी तो ये फॉर्म हुआ होगा। सेम इसी तरीके से आयोडीन में भी 1 मोलर आयोडीन दिया हुआ है, एक्स अमाउंट कम होगी तो ये रिएक्शन आएगा, तब ये वैल्यू आ जाएगी। एक्स इसका और एक्स इसका मिलकर 2x बनाएंगे। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। HI की वैल्यू क्या आ गई, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 और I2। इधर वैल्यू आ गई बेटा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स। KC की वैल्यू है 49। 49 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 का एक्स स्क्वायर, 1 वन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर भेज कर 49 से मल्टीप्लाई करो, 49 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सर ऊपर 4 भी तो था। हाँ तो वो अब लिख रहा हूँ ना, ओह सॉरी पिछले स्टेप पर भूल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 49 वन 49 माइनस 49 2 98x प्लस 49 वन 49 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब इस 4x स्क्वायर को उधर ले आओ, 49x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 98x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 45x स्क्वायर माइनस 98x प्लस 49। अब मुझे आंसर बताइए, एक एक्स वन आएगा और एक एक्स टू आएगा। 0.777 और एक्स टू आ रहा है 1.4 सॉरी। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है, 1 मोल पर डीएम क्यूब। रिएक्टेंट से ज़्यादा कभी भी एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती, बराबर आएगी या कम आएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं। अब यानी एक्स की एक ही वैल्यू बच सकती है 0.77। अब HI निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि HI की वैल्यू को आपने क्या सपोज किया हुआ है, 2x लिया हुआ है ना, तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करो, 0.777 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 1.54 मोल पर डीएम क्यूब। ये है असल कॉन्सेंट्रेशन HI की। समझ गया बेटा, हमने X2 को क्यों रॉन्ग किया है? X2 को रॉन्ग किया, कहाँ X2 को रॉन्ग किया बेटा? अच्छा ये X2,
यस सर। बेटा क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक सिंपल सी बात है, हमारे पास रिएक्टेंट वन है तो प्रोडक्ट 1.4 कैसे बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्टेंट से ज़्यादा थोड़ी होगी, जितना रिएक्टेंट लोगे प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा ना बेटा, उसी हिसाब से फॉर्म होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा हो, बराबर होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है बेटा, तो बाद में भी तो 1.54 ही बन रहा है बेटा, बाद में जो ये 1.54 बन रहा है ना, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि 0.77 ये इस्तेमाल हुआ और 0.77 ये इस्तेमाल हुआ, तब जाके 1.55 ये आया। okay. अब अगर तुम ये बोलोगी कि 1.4 ये इस्तेमाल हुआ 1.4 तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना बेटा, ये चीज़ कह रहा हूँ। okay. ठीक है, चलें ये 96 की सप्ली वाला देखते हैं। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ये आपके सामने लिखा है, 2 मोल ऑफ PCl5 आर हीटेड इन 2 DM क्यूब फ्लास्क, नंबर ऑफ मोल्स बता रहे PCl5 के और वॉल्यूम बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम जब बना तो 40% इज 40% PCl5 इज डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% PCl5 जो था ना बेटा वो टूट गया PCl3 और Cl2 में, तो आप केसी मालूम कीजिए। अच्छा अब इस सवाल को ज़रा समझना, क्योंकि जो 40% वाली बात है ना, ये पहली बार आई है और मेरे ख्याल से पास पेपर में एक ही बार तबाह है ये। तो वो क्या रहा है भाई, PCl5 रिवर्सिबली, सर इसमें ये बताया है कि 20% PCl3 बनेगा और 20% Cl2 बनेगा इक्विलिब्रियम पे। नहीं नहीं 40% PCl5 डिसोसिएट हुआ है तो हमने उसमें से माइनस करके अमाउंट बतानी होगी, ऐसे याद नहीं, हाँ ऐसे याद नहीं करना कि यार इतना इतना ये बना है, ऐसे में गड़बड़ हो सकती है, तो ये देखना कि कितना काम हुआ फिर उससे बताता हूँ। सही है, सॉल्व करते हैं। देखो इनिशियली PCl5 जो है वो 1 mole per DM³ है, ये 0.0 है। ये कैसे हुआ सर, बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन पूछूं तो उसके लिए क्या करोगे, मोल की वैल्यू को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना, तो मोल कितने हैं 2, वॉल्यूम कितने हैं 2, आंसर आएगा 1 mole per DM³। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम आया तो PCl5 40% टूटा, इक्विलिब्रियम आने के नतीजे में 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब हुआ 0.40, ठीक है 0.40 PCl5 टूटा तो 0.40 हमारे पास PCl3 बना और 0.40 हमारे पास क्लोरीन बना। अच्छा जितना मेरे पास ये फॉर्म होता है उतना ही ये टूटता भी है, तो ये कितना रह गया 0.60, यानी कि 1 मैक्सिमम है इनिशियल और इक्विलिब्रियम पे कितना टूटा है 40% टूटा है ना 1.40, तो 1 में से 1.40 माइनस करोगे क्या बचेगा 0.60। ये बात समझ में आई? यस सर। सबको आ गई? नो सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटे? सबको डिवाइड बाय 100 किया है ना, 40 डिवाइड बाय 100 करके 0.40 आया। नहीं बेटा, देखो सबको डिवाइड बाय 100 नहीं कर सकते, हमें सिर्फ PCl5 दिया हुआ है,
PCl5 वन मोल डीएफ पर डीएम क्यूब है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% PCl5 टूट गया, रह कितना गया सर, 0.60% रह गया ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि 60% रह गया। तो सर परसेंटेज से वो करने के लिए डिवाइड किया है ना, 100 से डिवाइड किया, और जितना टूटा उतने ही प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, बस ये कह रहा हूँ। कशफ सर क्लियर हो गया, ठीक है सर। अगर वन की जगह कोई और वैल्यू हो तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? किसकी जगह कोई और वैल्यू बेटा? तो सर वन तो सिंपल है, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे सर फॉर एग्जांपल 2 आ गया, अब 2 का 40% निकालने के लिए कुछ नहीं करो, 2 को 40% से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 को 40 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करने के बजाय 2 को 0.40 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज होगा। ओके सर। केसी क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है PCl3 और Cl2, रिएक्टेंट है PCl5। अब केसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, PCl3 कितना है, 0.40। सर इसमें वो नहीं निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन बेटा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इसमें केसी निकालना है। ये तो सर 0.40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी ना बेटा। ये ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन में ही आया ना आंसर, क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की है, शुरुआत ही कॉन्सेंट्रेशन से की है। अगर शुरुआत तुम मोल से करते तो फिर यहाँ पर भी मुझे मोल के लिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता। ओके सर। अब 0.40 को 0.40 से मल्टीप्लाई करो और 0.60 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। बताओ बेटा। 0.266 आ गया केसी का आंसर। ठीक है, समझ गए जी सर? सर बस आंसर आ गया। हाँ, अब ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 4 नहीं बल्कि 5 कर लो उसको। 1999 से लेकर 2002 के इंजीनियरिंग तक ये तुम लोगों ने मुझे अब संडे की क्लास में करके दिखाना है, संडे को क्लास होगी है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। चलें बस क्लास ऑफ कर रहा हूँ, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे संडे को होगी, टाइमिंग सैटरडे तक ग्रुप पे बता दूंगा। अल्लाह।